हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाने की वापस मैंने कोशिश भी की है। तो थ्रू आउट पूरे चैप्टर के साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई है मैंने आपके लिए, और आप इसके थ्रू अपने नोट्स भी बना सकते हो। और इवन अगर आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, जिससे आपके दोस्तों को भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। पूरे चैप्टर के अंदर मुझे ये चीज पढ़नी है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शंस को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन को जो लिखने का तरीका है वो क्या है बेटा, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, हमें पूरे थ्रू आउट चैप्टर में यही पढ़ना है। अच्छा, फिर मुझे बात बताओ, क्या कभी आपने केमिकल रिएक्शन, क्या कभी आपने केमिकल रिएक्शन जनरल लाइफ में देखी है? क्या आपने कभी केमिकल रिएक्शन जनरल लाइफ के अंदर देखी है? बताइए बताइए, आंसर ये कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू दीजिए। क्या आपने केमिकल रिएक्शन जनरल लाइफ में कहीं देखी है? हाँ स्टूडेंट्स, हमने जनरल लाइफ में हर दिन दिन में जितने भी हम वर्क करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने केमिकल रिएक्शन देखी होती है। क्या कभी आपने कर्ड खाया है? क्या बेटा कभी आपने कर्ड खाया है? क्या है ये कर्ड, ये किससे मिलके बना है, ये कर्ड किससे मिलके बना है बेटा? ये मिलके बना है मिल्क से। किससे मिलके बना है? मिल्क से। मिल्क को, मिल्क के अंदर आप थोड़ा सा दही ऐड करते हो, उसे रात भर फ्रिज में रहने देते हो, तो मिल्क मॉर्निंग तक किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? मिल्क मॉर्निंग तक किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू हेल्प ऑफ लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया। ड्यू टू हेल्प ऑफ लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की हेल्प से आपका मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया? कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या हुई है? यहां पर हुई है बेटा केमिकल रिएक्शन। क्या हुई बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को अपन यहाँ पर पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखो बेटा, दो तरह के फिनोमिनल होते हैं, दो तरह के फिनोमिनल होते हैं। एक होता है बेटा केमिकल फिनोमिनल, एक तो क्या होता है बेटा केमिकल फिनोमिनन, और एक होता है फिजिकल फिनोमिनन। एक होता है केमिकल फिनोमिनन, एक होता है फिजिकल फिनोमिनन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो देखो ध्यान से देखें, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक पेपर का पीस है, मान लीजिए कि मेरे पास एक पेपर का पीस है, और इस पेपर के पीस को ये मैंने रख दिया यहां पर, ये मेरे पास एक पेपर है। उस पेपर को क्या किया मैंने बेटा, मैंने इस पेपर को बीच में से कट कर दिया। मैंने पेपर को क्या किया, बीच में से कट कर दिया। अगर आपने पेपर को बीच में से कट किया तो बताइए मुझे आपको क्या मिलेगा? आपको दो डिफरेंट स्मॉल साइज के क्या मिलेंगे, पेपर के पीस मिलेंगे। यही होगा, बताइए मुझे, यही होगा ना? अगर आपने पेपर को कट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, दो डिफरेंट पेपर के स्मॉल साइज के पेपर के पीसेस मिलेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, जब आपने पेपर को कट किया, कट नहीं किया था उससे पहले क्या हो रहा था, कट नहीं किया उससे पहले बताइए मुझे, पेपर कैसे कलर का था? पेपर व्हाइट कलर का था सर। ओके, व्हाइट कलर का था, ठीक है। जब आपने कट कर दिया तब भी पेपर किस कलर का है सर? व्हाइट कलर का है। अच्छा, कलर तो सेम है। अच्छा, पहले भी क्या था, पेपर था, बाद भी क्या है, पेपर है। तो आपने जब ये प्रोसेस किया पेपर को कट करने का, क्या आपको पेपर से कोई नई चीज मिली क्या? नहीं सर, हमें कोई नई चीज नहीं मिली। हमें पेपर से तो क्या मिला, सिर्फ पेपर मिला। तो यहां पर कोई नई चीज नहीं मिली। वी डू नॉट ऑब्टेन न्यू सब्सटेंस, वी डू नॉट ऑब्टेन हियर न्यू सब्सटेंसेस। एंड इवन अगर मैं पेपर के पीसेस को मैं वापिस, अगर मैं फेविकोल से अगर मैं मर्ज कर दूं, अटैच कर दूं, एक बार के लिए अगर अटैच कर दूं, तो मुझे वापिस पूरा पूरा पेपर वापिस मिल जाएगा क्या बेटा? हाँ सर, पूरा पूरा पेपर वापिस मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ। ये प्रोसेस कैसा हुआ, रिवर्सिबल हुआ। एक बार आपने पेपर को कट किया और वापस अगर पेपर को अटैच किया तो आपको पूरा पूरा पेपर वापस मिल गया। तो यहां पर क्या हुआ, आपको कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हुआ है। एंड इवन ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। तो दैट प्रोसेस आर नोन एज बेटा फिजिकल चेंज। उसे क्या कहते हो आप, फिजिकल चेंज कहते हो। इन विच, फिजिकल चेंज का मीनिंग क्या होता है, इन विच वी डू नॉट ऑब्टेन एनी न्यू सब्सटेंसेस एंड इवन विच इज इरिवर्सिबल, सॉरी विच इज रिवर्सिबल, विच आर नोन एज फिजिकल चेंज। अच्छा सर, तो केमिकल चेंज क्या होता है? तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा,
मैंने इस पेपर को मान लो बर्न कर दिया, मैंने पेपर को क्या किया, बर्न कर दिया। अगर पेपर को एक बार जला दिया आपने, तो बताओ मुझे आपको क्या मिलेगी? सर हमें मिलेगी ऐश और गैसेस। क्या मिलेगी हमें? ऐश मिलेगी कुछ, और क्या मिलेगी? कुछ गैसेस मिलेगी जो हवा में उड़ रही होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने पेपर को बर्न किया क्या आपको कोई नई चीज मिली? हाँ, हमें क्या मिली? ऐश मिली और गैसेस मिली। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ पर आपको क्या मिला? न्यू सब्सटेंस मिला है। न्यू सब्सटेंस क्या मिला है आपको? एक मिला है आपको ऐश और दूसरा क्या मिला है? गैस। एंड द प्रोसेस इन विच वी हैव ऑब्टेन, द प्रोसेस इन विच वी हैव ऑब्टेन न्यू सब्सटेंसेस। इवन ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि एशिस और गैसेस को मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे वापस पूरा पूरा पेपर मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये प्रोसेस कैसा हुआ बेटा? इरिवर्सिबल हुआ। कैसा हुआ? इरिवर्सिबल हुआ। सो द प्रोसेस इन विच वी हैव ऑब्टेन न्यू सब्सटेंसेस एंड विच इज इरिवर्सिबल आर नोन एज केमिकल चेंज। एक ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर आपको न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं और वापस वो प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल है। एक बार प्रोसेस हो गया तो उसे आप रिवर्स करके वापिस इनिशियल वाला सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, उसे क्या कहते हो आप? केमिकल चेंज। समझ में आया बेटा? तो ये होते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्लियर है? चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और भी मेरे पास एग्जाम्पल आपके लिए, देखिए क्या है एग्जाम्पल। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, कुछ इमेजेस लाया हूं मैं आपके सामने। तो देखिए अगर आप देख रहे हो यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर, यहाँ पर केमिकल चेंज के देखोगे तो मैंने पहले क्या लिखा है? कंबशन। फिर क्या लिखा है? रूटिंग। फिर क्या लिखा है? रस्टिंग। और फिर क्या बनाया है? डाइजेशन के लिए डायग्राम बनाया है। तो इन इमेजेस को ध्यान से देखो, क्या आपने एक बार फ्यूल को कंबस्ट कर दिया तो क्या आप वापस फ्यूल को ऑब्टेन कर सकते हो? एक बार फ्यूल जल गया तो उसके पास वो वापस रिटर्न नहीं मिल सकता। मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ बेटा? इरिवर्सिबल हुआ। ठीक है, रोटिंग, एक बार फूड सड़ गया तो वापस रिटर्न आपको फूड ऑब्टेन नहीं हो सकता, तो ये भी कैसा हुआ? इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड का डाइजेशन हो गया तो उसके बाद वापस आपको फूड तो मिल नहीं सकता, तो ये भी कैसा हुआ? इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। रस्टिंग, एक बार मेटल की रस्टिंग हो गई तो वापिस हमें वापिस मेटल की पुरानी वाली स्ट्रेंथ, ओरिजिनल स्ट्रेंथ हमें वापिस नहीं मिल सकती है। तो मतलब कि ये जितने भी प्रोसेस बताए बेटा मैंने यहाँ पर, ये जितने भी प्रोसेस बताए ये सारे प्रोसेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल है। ये सारे प्रोसेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल है। और ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको क्या मिलेंगे? न्यू सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो द प्रोसेस इन विच वी हैव ऑब्टेन न्यू सब्सटेंसेस एंड विच इज इरिवर्सिबल आर नोन एज केमिकल चेंज। एंड द प्रोसेस इन विच वी डू नॉट ऑब्टेन न्यू सब्सटेंसेस एंड विच इज रिवर्सिबल आर नोन एज फिजिकल चेंज। देखिए मेल्टिंग, मेल्टिंग कैसा चेंज है बेटा? मेल्टिंग फिजिकल चेंज है। एक बार मेल्ट हो गई तो वापस आप आइसक्रीम को जमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शेडिंग, ये भी कैसा है? फिजिकल चेंज है। चॉपिंग, ये भी कैसा है? फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग, ये भी कैसा है? फिजिकल चेंज है। तो ये सारे ही फिनोमिनन यहाँ पर जो आपने ड्रॉ किए हैं, ये जो मैंने इमेजेस रखी है, ये सारे ही फिनोमिनन कैसा है बेटा? रिवर्सिबल है। तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा मैं कुछ और बात कर लेता हूँ, जैसे बॉइलिंग की मैंने बात की। अब बॉइलिंग में क्या होता है बेटा? जैसे बॉइलिंग है तो वाटर को बॉइल करोगे आप, ये वाटर लिया। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है बेटा? लिक्विड होती है। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। अगर वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड है और आपने वाटर को बॉइल किया, अगर आपने वाटर को बॉइल किया तो मुझे बताओ आपको लिक्विड से क्या मिलेगी? आपको लिक्विड से मिलेगी वेपर। आपको लिक्विड से क्या मिलेगी? वेपर। लेकिन वेपर के अंदर भी कौन होगा बेटा? वेपर के अंदर भी कौन होगा? H2O का H2O ही होगा। तो द प्रोसेस इन विच वी डू नॉट ऑब्टेन, वी डू नॉट हैव ऑब्टेन न्यू सब्सटेंसेस, यहाँ पर कोई मुझे नई चीज मिली क्या? नहीं मिली। इवन अगर मैं वेपर को कंडेंस करूंगा तो क्या मुझे वापस लिक्विड मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? रिवर्सिबल हुआ। मतलब कि ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ठीक है सर, समझ में आ गया केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस? आपको ही बताने हैं इन चार ऑप्शन में से कि कौन से फिजिकल चेंज है, कौन से केमिकल चेंज है। तो देखिए पहले ऑप्शन से बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? पहला ऑप्शन है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इट वेपर स्टेट। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट बॉइलिंग। आपने लिक्विड को बॉइल नहीं किया है फिर भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया है? उसकी वेपर में कन्वर्ट हो गया है। दैट प्रोसेस आर नोन एज इवापोरेशन। तो ऑब्वियसली बात है, देखो बेटा एक बार लिक्विड की वेपर बन गई तो वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना सकता हूं मैं वापिस? हाँ सर बना सकते हो। मतलब कि ये प्रोसेस कैसा हुआ? ये प्रोसेस हुआ रिवर्सिबल। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो बताओ ये कैसा चेंज है?
ये है फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है ये? फिजिकल चेंज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हमें। चलिए सर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? बर्निंग ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक बार बेटा आपने फ्यूल को, पेट्रोलियम गैस को अगर बर्न कर दिया तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी ऐश और गैसेस। आपको क्या मिलेगी? ऐश और गैसेस। इवन आपको देखो, पेट्रोलियम गैस को आपने बर्न कर दिया, एक बार फ्यूल का कम्बशन हो गया तो आप वापस फ्यूल को ऑप्टेन नहीं कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐशेस और गैस को मिला के मैं वापस फ्यूल ऑप्टेन कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर ये प्रोसेस कैसा हो गया? बेटा ये प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल। कैसा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल। अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये कैसा चेंज है बेटा? ये है केमिकल चेंज। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है? हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट। आयरन हॉट, आयरन की रॉड को इतना हीट करना है कि वो क्या हो जाए? रेड हॉट हो जाए। तो बेटा यहां पर अगर आयरन की रॉड को आपने हीट कर भी दिया तो हीट करने के बाद वह क्या हो जाएगी? वो बेटा मेल्ट हो जाएगी। क्या हो गया? ज्यादा ज्यादा मेल्ट हो जाएगी। लेकिन मेल्ट हुई है, अगर मैं इसके वापिस वापिस को मैं सॉलिडिफाई करूं तो वापिस मुझे आयरन की रॉड मिल जाएगी। हाँ सर मिल जाएगी। तो ये बेटा ये प्रोसेस कैसा हुआ? ये प्रोसेस हुआ रिवर्सिबल। ये प्रोसेस कैसा हुआ? रिवर्सिबल। और जो भी प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फिजिकल चेंज। वो सारे क्या होते हैं बेटा? फिजिकल चेंज। क्लियर है? समझ आ रही भी है? चलिए फोर्थ क्या है? कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क से आपने क्या बना लिया बेटा? मिल्क से आपने क्या बना लिया? मिल्क से आपने बना लिया कर्ड। मिल्क से क्या बना लिया? कर्ड। तो मिल्क से कर्ड बनाना ये कैसा चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो मतलब कि ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। क्लियर है? तो ये चार एग्जांपल थे, इवोपरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इन चारों प्रोसेस के थ्रू हमने समझ लिया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब याद रखना बेटा, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। जितने भी केमिकल चेंज होंगे उनके अंदर क्या होगी? एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन लिखी है केमिकल रिएक्शन की, जो बेटा दिखना एक बार मैं बता दूं। जो केमिकल चेंज होता है मेरा, जो मेरा केमिकल चेंज होता है वही क्या होती है? मेरी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल चेंज क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वी हैव ऑब्टेन न्यू सब्सटेंसेस, द प्रोसेस इन विच वी हैव ऑब्टेन न्यू सब्सटेंसेस एंड विच इज इरिवर्सिबल आर नोन एज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज ही क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन भी सेम होगी, द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस, द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। एक एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? नए सब्सटेंस बना रहे हैं, विच आर नोन एज योर केमिकल रिएक्शन। देखिए, द प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विच इज नोन एज योर केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं बेटा, एक केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा? प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो ये प्रोसेस कैसा होगा बेटा? इरिवर्सिबल होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। एक केमिकल रिएक्शन को आप फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते हो। मतलब कि एक बार ए प्लस बी को कंबाइन करके आपने सी बना लिया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको पकड़ के तोड़ दूं और इससे वापस मुझे ए प्लस बी वापस मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई फिजिकल मेथड पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से फिजिकल मेथड है? जैसे देखो, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन चारों में से कोई से भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन। वापिस लैंग्वेज बोल देता हूं मैं आपके लिए, द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के मेरे पास। देखिए एग्जाम्पल नंबर वन क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर वन बेटा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है सर ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बना रही है? वाटर बना रही है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? ध्यान से पढ़ो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, याद करो। द प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म
न्यू सब्सटेंसेस। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी क्या थी, गैस थी, और वाटर क्या मिल गई, लिक्विड मिल गई। तो एक ऐसा प्रोसेस हुआ जहां पर आपके पास दो गैसेस मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और एक नई चीज आपको ऑप्टेन हो रही है, विच इज नॉन एज योर केमिकल रिएक्शन। इवन ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि आप वाटर को तोड़ दो तो उससे वापस आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। और जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। देखो बेटा सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। आयरन मेटल ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक को आपने वाटर की प्रेजेंस में रखा, मतलब कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखा, तो आयरन मेटल की रस्टिंग हो जाती है बेटा। क्या होती है, आयरन मेटल की रस्टिंग होती है। और जब भी आयरन मेटल की रस्टिंग होती है तो उसकी सरफेस पे क्या बन जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। नाउ अब बेटा हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। देखिए कितना आयरन है यहाँ पे, कितना Fe1, यहाँ पे कितना Fe3 है, तो यहाँ पे कितना कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा, Fe बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। फर्स्ट वाली रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितना हो गया, रिएक्टेड प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो ये भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये मेरी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आई होप स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन के दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब बुक की कुछ एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है मेरे पास, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, और क्या कहती है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर एक मैग्नीशियम रिबन को आप एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या होता है बेटा, तो देखिए यहां पर मैंने आपके बता रखा है डायग्राम के थ्रू, मैंने बर्नर लिया है, बर्नर की हेल्प से मैं मैग्नीशियम रिबन को, देखो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की हेल्प से बर्न कर रहा हूं, और एटमोस्फेयर में क्या मिल जाएगी इसको, एटमोस्फेयर में मिल जाएगी इसे एयर। तो मैग्नीशियम रिबन जब एयर की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो देखो नीचे वॉच ग्लास रखी हुई है, और वॉच ग्लास के अंदर आपको क्या ऑप्टेन हो रहा है, वॉच ग्लास के अंदर व्हाइट कलर का क्या ऑप्टेन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन एवर वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, व्हेन एवर वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब भी मैं मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करूंगा, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एंड प्रोड्यूस अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए सर ये पूरी की पूरी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी हुई है, यू विल ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एंड अ व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, दैट व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, व्हेन एवर वी बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, व्हेन एवर वी बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एंड प्रोड्यूस अ व्हाइट पाउडर ऑफ एंड प्रोड्यूस अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है सर, समझ आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। एक मैग्नीशियम रिबन को एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या कहता है, व्हाई शुड वी, एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले अपन उसे क्लीन करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तो क्लीन क्यों करते हैं, ऐसा क्या हुआ। तो देखो बेटा ये मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैंने एटमोस्फेयर में रखी हुई है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये एटमोस्फेयर है और इस एटमोस्फेयर के अंदर मैंने मैग्नीशियम रिबन को रखी हुई है, तो होता क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन एटमोस्फेयर में क्या मिलेगी इसको, एयर मिलेगी, एयर के अंदर कौन होगा बेटा, ऑक्सीजन गैस, और ये सराउंडिंग से मैग्नीशियम रिबन क्या ऑब्जर्व करेगी, हीट ऑब्जर्व करेगी, क्या ऑब्जर्व करेगी, हीट। तो जब मैग्नीशियम रिबन रखी हुई है सिंपल सी एटमोस्फेयर के अंदर, तो सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, रिएक्ट हो जाती है, मतलब कि मैग्नीशियम की जो आउटर लेयर है बेटा, मैग्नीशियम रिबन की जो आउटर लेयर है वो एयर के साथ, एयर की प्रेजेंट, एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, और अपनी सरफेस पे, अपनी सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बनाती है, एक व्हाइट लेयर बना लेती है। तो अब मुझे बताओ अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की रिबन है, इसकी सरफेस पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो अगर मैं इसे हीट बर्न करूंगा, मान लो यहां मैंने बर्नर रखा, मैंने बर्नर रखा और इसे मैंने बर्न करने की कोशिश की, तो क्या मेरी मैग्नीशियम रिबन क्या
क्या मेरी मैग्नीशियम रिबन बर्न हो पाएगी क्या? नहीं, मेरी मैग्नीशियम रिबन का कंप्लीट कंबशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? बिकॉज ऑफ बाहर क्या है, बाहर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है बाहर, तो क्या आपकी मैग्नीशियम रिबन को वो बर्न होने देगा क्या? नहीं होने देगा। तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन का कंप्लीट कंबशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप पहले क्या करते हो, इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हो, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को यहां से क्या करते हो, रिमूव करते हो। जब ये लेयर रिमूव हो जाएगी, तब आपके पास मैग्नीशियम रिबन डायरेक्ट ऑप्टेन होगी और उसका कंप्लीट कंबशन करना पॉसिबल है। तो देखो, इसी बात को मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजली हैज अ कोटिंग ऑफ वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट सरफेस। अपनी सरफेस से क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। इट इज फॉर्म बाय द स्लो रिएक्शन इट इज फॉर्म बाय द स्लो रिएक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट। एटमोस्फेयर की जो भी एयर है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और अपनी सरफेस पे क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक व्हाइट लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। इसलिए अपन इसे क्या करते हैं, दिस हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, दिस हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, सो दिस लेयर इज रिमूव्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इसलिए कभी भी याद रखना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम पहले उसे क्या करते हैं बेटा, क्लीन करते हैं। क्लियर रहेगा? ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करते हैं। और क्या है मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी, चलिए देखते हैं। हियर इज योर सेकंड एक्टिविटी। क्या कहती है बेटा एक्टिविटी? व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज एडेड इनटू पोटेशियम आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या कह रही है? व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट, देखिए एक कंटेनर है बेटा मेरे पास, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए मेरे पास रखा हुआ है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस, ये है मेरे पास लेड नाइट्रेट। तो व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट आर एडेड इनटू पोटेशियम आयोडाइड। अगर मैंने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के अंदर ऐड किया, ये देखिए मैं वन बाय वन ऐड कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में ऐड किया, तो देखो क्या हुआ, यहां पर मुझे येलो कलर की पीपीटी मिल गई। क्या दिख रहा है क्या आपको? येलो कलर का क्या मिला आपको? प्रेसिपिटेट मिला। येलो कलर का क्या मिला? प्रेसिपिटेट मिला। ये क्या बता रहा है कि व्हेनेवर लेड नाइट्रेट आर एडेड इनटू पोटेशियम आयोडाइड, इट प्रोड्यूस अ येलो सॉलिड सब्सटेंस ऑफ लेड आयोडाइड अलोंग विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। जब भी मैं लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर ऐड करूंगा, तो मुझे एक येलो सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा। किसका होगा वो? वो होगा लेड आयोडाइड का। और मुझे एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा जो किसका होगा? पोटेशियम नाइट्रेट का। देखिए इसी बात को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। एक कलरलेस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का, उसने कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन किया, तो यू हैव ऑब्टेन एन ओपेक एंड ब्राइट एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। आपको क्या मिलेगी? एक येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलेगी लेड आयोडाइड की, एंड अलोंग विथ आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा विच इज योर पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए बेटा, इस रिएक्शन को अगर आपको लिखना है तो लिखने का एक तरीका बता देता हूं मैं आपको यहां पर। देखिए एक ट्रिक है, इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का पीबी को क्या मान लो आप? ए मान लो। क्या मान लो? ए। नाइट्रो क्या मान लो? बी मान लिया। पोटेशियम क्या मान लिया? सी। और आयोडीन को क्या मान लिया? डी। अब देखो बेटा कैसे ऐड करना है। ए ऐड होगा डी के साथ, ए किसके साथ ऐड होगा? डी के साथ। और सी ऐड होगा बी के साथ, सी किसके साथ ऐड होगा? बी के साथ। तो ए और डी को कंबाइन कर दो, ए और डी को कंबाइन कर दो, और फिर सी और बी को कंबाइन करके लिख दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपकी केमिकल रिएक्शन। देखिए क्या है, ए क्या है बेटा? ए है लेड। बी क्या है? डी आयोडाइड है। लेड की वैलेंसी बेटा 2, आयोडाइड की वैलेंसी 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बना? PbI2। मिल गया PbI2। चलिए सी किसके साथ कंबाइन हो रहा है? सी कौन है? पोटेशियम। किसके साथ कंबाइन हो रहा है? नाइट्रेट के साथ। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की 1, चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट। और फिर बाद में हम रिएक्शन क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो ये ट्रिक है इसकी, आई होप ये ट्रिक आपको याद रहेगी। चलिए क्या कहता है, तो व्हेनेवर वी एडेड दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इनटू पोटेशियम आयोडाइड, देन वी हैव ऑब्टेन अ येलो पीपीटी ऑफ देन वी हैव ऑब्टेन अ येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है समझ आ गई एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी टुवर्ड्स मूव करते हैं। क्या कहती है नेक्स्ट एक्टिविटी? What happens when zinc granules are added into dilute hydrochloric acid? क्या है एक्टिविटी बेटा? What happens when zinc granules को मैं dilute hydrochloric acid के अंदर ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखो बेटा इसकी ट्रिक है।
व्हेनेवर वी एडेड मेटल इनटू एसिड, जब भी मैं मेटल को एसिड के अंदर ऐड करूंगा तो याद रखना बेटा, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स को अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिजोल्व किया, देखो डायग्राम के अंदर मैंने बना रखा है, जब मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिजोल्व किया, ऊपर मैंने कॉर्क लगा दी जिसकी वजह से जो भी मेरे गैसेस वो बाहर नहीं निकल सकती, और मैंने यहाँ पर ग्लास ट्यूब लगा दी, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब लगा दी तो जो भी गैस यहाँ से इवोल्व हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, उस ग्लास ट्यूब की हेल्प से मैं दूसरे कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या कहता है, व्हेनेवर वी एडेड दिस जिंक ग्रेन्यूल्स इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। कैसे हुई ये रिएक्शन, देखिए एक बार बता देता हूँ मैं इसकी ट्रिक। व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद, अभी मैंने बोला व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो बेटा, व्हेनेवर मेटल, मेटल कौन है, जिंक है, किससे रिएक्शन करा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए मुझे सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा, ठीक है मत लिखिए, कोई बात नहीं, आपको हाइड्रोजन गैस का तो आ रहा ना, लिखिए हाइड्रोजन गैस, ये लिखा मैंने हाइड्रोजन गैस। अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर टू हाइड्रोजन है तो यहाँ टू कर दो, अब जो बच गया उसे मर्ज करके लिख दो, बस ये हो गया आपका काम। क्या बच गया, एक जिंक बच गया सर, और एक क्या बच गया, क्लोरीन। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है टू, क्लोरीन की कितनी होती है वन, तो क्या बन गया, ZnCl2। तो व्हेनेवर वी एडेड दिस जिंक ग्रेन्यूल्स इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। इसी लाइन को मैंने यहाँ पर देखिए पूरी थ्योरी लिखी हुई है, यू विल ऑब्जर्व दैट जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड गैस बबल्स आर फॉर्म अराउंड दिस जिंक ग्रेन्यूल्स, दैट गैस बबल्स आर, किसके होंगे वो गैस बबल्स, वो गैस बबल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। इवन वन मोर थिंग, इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स, ये जो ग्लास है ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क क्या है, ये बेटा कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इफ वी टच दिस कॉनिकल फ्लास्क विच कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज फाउंड टू बी हॉट, मतलब कि इस प्रोसेस में क्या हुई है, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है, क्या रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है, दिस मीन्स दैट टेम्परेचर राइजेस इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर राइज होगा। तो ठीक है समझ में आ गया आपके बाद, व्हेनेवर वी एडेड दिस जिंक ग्रेन्यूल्स आर इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। अच्छा बात आती बेटा, सर आपको कैसे पता चला कि जो यहां से गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस ही है, ये आपको कैसे पता चला। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या लगाई, ग्लास ट्यूब लगाई, इस ग्लास ट्यूब से जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसको मैं दूसरे कंटेनर में क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। कैसे कलेक्ट किया देखिए, देखते हैं, ये देखिए रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाई रबिंग बाई बर्निंग। क्या कर रहे हैं अपन देखिए, यहां पर मैंने एक कंटेनर ले लिया, टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ले लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, तो मैंने अभी क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो और उसके अंदर क्या मैंने ऐड कर दी, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो अभी हमने बोला था कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर भी क्या होगा, जब आपने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला तो यहां पर क्या हुई, देखो बेटा यहाँ पर बबल्स, हाइड्रोजन गैस, देखो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हुए, ये बबल्स यहाँ से रिलीज होंगे, ये टेस्ट ट्यूब के ग्लास ट्यूब के थ्रू पास होंगे, और उसको मैं क्या करूंगा, 100 बबल में पास करूंगा। जैसे ही ये 100 बबल में पास होंगे यहाँ पर ये क्या बनेंगे, बबल्स बनाएंगे, और ये बबल्स के अंदर, इन बबल्स के अंदर कौन ट्रैप होगी, इन बबल्स के अंदर कौन ट्रैप होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस ट्रैप होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने बर्निंग कैंडल लेके गया इसके पास, मैं इसके पास क्या लेके गया, बर्निंग कैंडल लेके गया। जैसे मैं बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा तो याद रखना कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप अप साउंड, आप जैसे बर्निंग कैंडल को गैस बबल के पास लेके जाओगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, पॉप अप साउंड के साथ क्या होगी, बर्स्ट होगी। तो विच इज शोज दैट दैट जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि एक हाइड्रोजन गैस ही है जो पॉप अप साउंड के साथ बर्न होती है। तो क्लियर हो गया कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कैसे करते हो, आप हाइड्रोजन गैस को 100 बबल से पास, 100 सॉल्यूशन से पास करोगे, जब 100 सॉल्यूशन से पास करोगे तो ये क्या बनाएगी बेटा, ये बबल्स बनाएगी, और बबल्स के अंदर कौन ट्रैप्ड होगा, इन बबल्स के अंदर ट्रैप्ड होगा सर हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को जब मैं बर्निंग कैंडल के कॉन्टेक्ट में लाऊंगा
तो हाइड्रोजन गैस बर्स्ट विद अ पॉपअप साउंड। तो ये एक्टिविटी होती है हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने की। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मैं चाहूंगा कि आप आगे भी इस वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट करें। चलिए स्टूडेंट आगे मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं बेटा। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चारों टाइप की रिएक्शन है, वन बाय वन चारों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और वन बाय वन समझेंगे इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है बेटा मेरे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा नाम में क्या आ रहा है, नाम में आ रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या आ रहा है, ये क्या होगा कंबाइन होगा सर, ये क्या होगा कंबाइन होगा। तो क्या एक अकेला खुद से कंबाइन हो सकता है क्या बेटा, क्या एक अकेला खुद से कंबाइन हो सकता है? नहीं सर नहीं हो सकता। कंबाइन होने के लिए कितने लोग चाहिए? कंबाइन होने कितने लोग चाहिए? 2 पर्सन चाहिए। कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो देखो द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइन टू ईच अदर, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट बेटा आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंबाइन हो गए तो क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे विच इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर, द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू इच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है और एक्टिविटी क्या कहती है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एडेड इनटू वाटर। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एडेड इनटू वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड देखो मेरे पास इस बीकर के अंदर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे आप फर्दर क्या कहते हो बेटा, क्विक लाइम भी कहते हो। क्या कहते हो? क्विक लाइम भी कहते हो। जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को इस हार्ड ग्लास वाले बीकर में एड कर दिया और साथ में मैंने क्या मिला दिया बेटा, पानी मिला दिया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि थोड़ी देर बाद ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर एक नया सॉल्यूशन बन गया, एक नया सॉल्यूशन बन गया। और नया सॉल्यूशन क्या बना बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेनेवर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, व्हेनेवर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, मेरा कंटेनर, ये जो मेरा कंटेनर था इस कंटेनर को जो मैंने टच किया तो ये कंटेनर कैसा हो गया मेरा, वार्म हो गया, हॉट हो गया। कैसा हो गया? हॉट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, सर इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है, क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो देखिए बेटा क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इस लैंग्वेज को लिखा है व्हेनेवर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दिस मेक्स द बीकर वार्म। जब भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है रिएक्शन। व्हेनेवर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस अ स्लैक लाइन व्हिच इज नोन एज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, स्लैक लाइन। तो आपको कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन नेम से ही बनता है। तो ये तो क्या होती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। इसका कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मेरे पास कुछ अदर एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपके लिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है और क्या बना रही है, वाटर बना रही है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की लैंग्वेज क्या थी, द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस, वन और मोर देन वन रिएक्टेंट सब्सटेंसेस आर कंबाइन टू ईच अदर, आर कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन कैन बर्न इन ऑक्सीजन विद स्टेडी फ्लेम एंड कैन बी यूज एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, कार्बन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को क्या किया मैंने, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मुझे क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो ये दोनों ही रिएक्शन में देखिए आप दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ले रहे हो और दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन टू इच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन क्या होता है बेटा, अबाउट जो दोनों रिएक्शन है, इन दोनों ही रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इन दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है।
तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, विच इज नॉन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या कहता है बेटा, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्म होने के साथ साथ अगर हीट रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में से, उसे क्या कहते हो आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो. एंड इवन ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. याद रखना, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होगी वो सारी क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. ठीक है सर. और नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. चलिए बेटा, क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी से देखते हैं. द कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देखो डीकम्पोजिशन क्या बोलता है, डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज होना मतलब कि टूटना, ब्रेक डाउन होना. तो द रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस, सॉरी, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस विच इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फिर यहां पर लिखा है मैंने, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. देखिए वन बाय वन इनको वापस देखते हैं. देखिए मेरे पास एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाने के लिए. क्या कहती है एक्टिविटी, व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड. क्या होता है बेटा अगर मैं फेरस सल्फेट को हीट करता हूं, तो देखिए यहाँ डायग्राम बता रखा है. ये क्या है बेटा, ये ग्रीन कलर का है फेरस सल्फेट, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. क्या है ये, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. अगर इस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को बेटा आप हीट करते हो, अगर इस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को आप हीट करते हो, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये ब्राउन कलर के सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नॉन इज योर फेरिक ऑक्साइड, विच इज नॉन इज योर फेरिक ऑक्साइड. तो जब भी मैं फेरस सल्फेट को हीट करता हूं, फेरस सल्फेट किसमें डिकम्पोज हो जाएगा बेटा, अब ब्राउन सॉलिड सब्सटेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड. तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए मैं आपको इसको लैंग्वेज लिखी है मैंने यहाँ पर. क्या कहती है लैंग्वेज, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जब मैंने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस करेगा और एक डर्टी व्हाइट कलर का, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज टू डर्टी व्हाइट. जो भी आपका ग्रीन कलर है, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रीन कलर पहले कन्वर्ट होगा आपका डर्टी व्हाइट में, और फिर फर्दर वो डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा, ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा, विच इज योर फेरिक ऑक्साइड. एंड साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड लाइक गैसेस प्रोड्यूस करेगा. देखिए यहाँ पर रिएक्शन में लिखी है, व्हेनेवर वी हीटेड फेरस सल्फेट, जब भी मैं फेरस सल्फेट हीट करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेगा, मॉइस्चर का लॉस कर देगा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, लॉस करेगा. तो वाटर मॉलिक्यूल का जैसे लॉस किया, जिसने क्या बनाया, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. क्या बनाया, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. फिर इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को बेटा आपने वापस हीट किया, तो ये बनाता है ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड. एंड साथ में प्रोड्यूस करता है बर्निंग सल्फर लाइक गैसेस, एंड साथ में क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बर्निंग सल्फर लाइक गैसेस विच इज योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड. सल्फर बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी आती है बेटा, तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है जब टायर बर्न होता है ना, जब टायर बर्न होता है उसकी जैसी स्मेल आती है, वैसी ही स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की, तो इन गैसेस की भी वैसी ही स्मेल आएगी. ठीक है, तो याद रखना ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट कन्वर्ट्स फर्स्ट इंटू डर्टी व्हाइट कलर ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. फिर उस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को वापिस आप हीट करोगे, तो क्या बनाएगा, अ ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड अलोंग विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड. तो ये कंप्लीट एग्जाम्पल था, कंप्लीट एक्टिविटी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर. अब बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप है. पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, द डीकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाई सप्लाइंग हीट, द डीकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाई प्रोवाइडिंग हीट विच इज नॉन इज योर थर्मल डीकम्पोजिशन. देखो इसको समझने के लिए मेरे पास एक्टिविटी है. क्या है एक्टिविटी, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड. क्या है बेटा एक्टिविटी, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये रहा व्हाइट कलर, व्हाइट पाउडर होता है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस. इस लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट करता हूं, तो देखिए यहां पर डायग्राम के अंदर इसकी एक्टिविटी दिख रही है. आप व्हाइट कलर के देखो ध्यान से, ये देखो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर किसका है पहले, तो ये व्हाइट कलर है लेड नाइट्रेट का. किसका था ये लेड नाइट्रेट का था. जब इस व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया, आपने बर्न किया, ये देखो आपने हीट किया है बर्नर के थ्रू, जब आपने बर्न किया से हीट किया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, येलो सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया. किसमें कन्वर्ट हो गया, येलो सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया. और साथ में देखो ध्यान से अगर इसको देखोगे, तो यहाँ पर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, दिख रही है आपको, ये ब्राउन कलर की क्या निकल रही है, फ्यूम्स निकल रही है. तो क्या होता है बेटा, व्हेनेवर वी हीटेड दिस व्हाइट कलर ऑफ लेड नाइट्रेट,
व्हेनेवर वी हीटेड दिस व्हाइट कलर ऑफ लेड नाइट्रेट इट प्रोड्यूस अ येलो सॉलिड सब्सटेंस ऑफ लेड ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस अ ब्राउन रेडिश ब्राउन गैस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अलोंग विद प्रोड्यूस अगेन ऑक्सीजन गैस. क्या करता है, जब भी आप व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो एक येलो सॉलिड सब्सटेंस मिलता है लेड ऑक्साइड का, और रेडिश ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस करती है विच इज योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, ये ऑक्सीजन गैस. देखिए इसी बात को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है. यू विल ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सिंस ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस इनटू येलो कलर ऑफ लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. दिस एक्टिविटी शोज द लेड नाइट्रेट अंडर गोज थर्मल डी कंपोजिशन. मतलब क्या हुआ इसका, कि आपने हीट प्रोवाइड करके लेड नाइट्रो को क्या कर दिया, हीट प्रोवाइड करके लेड नाइट्रो क्या कर दिया, आपने ब्रेक डाउन कर दिया, डीकम्पोज कर दिया, विच इज नॉन एज योर थर्मल डीकम्पोजिशन. तो व्हेनेवर वी हीटेड अ ब्राउन व्हाइट कलर ऑफ लेड नाइट्रेट व्हेनेवर वी हीटेड अ व्हाइट कलर ऑफ लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोजेज इनटू अ येलो सॉलिड सब्सटेंस ऑफ लेड ऑक्साइड अ येलो सॉलिड सब्सटेंस ऑफ लेड ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस अ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड अलोंग विथ ऑक्सीजन गैस. तो यही क्या होती है बेटा, ये होती है थर्मल डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगी. देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना. क्या कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाई सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, वाटर के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम करंट पास करेंगे, और वाटर के अंदर हम करंट पास करके वाटर को क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे. वाटर का क्या करेंगे, हम डिकम्पोजिशन करेंगे. तो कैसे करने वाले हैं हम ये सब कुछ, चलिए देखते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया हुआ आपके पास. इस सेटअप के अंदर क्या है, इस सेटअप के अंदर इस कंटेनर के अंदर इस पूरे कंटेनर के अंदर मैंने क्या फिल किया है, मैंने यहाँ पर फिल किया है प्योर वाटर. मैंने क्या फिल किया बेटा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर फिल किया है प्योर वाटर फिल किया है, ठीक है. अब मैंने प्योर वाटर फिल कर दिया और मैंने फिर क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक पावर सोर्स लगाया है और इस पावर सोर्स को देखिए मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है. अगर आप देखोगे तो बैटरी को मैंने मेटल की रॉड के साथ कनेक्ट किया हुआ है. ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास मेटल रॉड, ये दो मेटल मेरे पास मेटल रॉड है, ये दोनों ग्रेफाइट की रॉड हो सकती है, ठीक है. तो अब इस मेटल रॉड को क्या मैंने बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है. अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये है आपका एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो क्या है आपका एनोड, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है आपका कैथोड, ठीक है. तो ध्यान रख लीजिएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल क्या है यहाँ पर कैथोड है. अब क्या करते हैं अपन, अपन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पावर सोर्स के थ्रू क्या करूंगा, मैं यहाँ से पावर सप्लाई करूंगा. मैंने जैसे यहाँ पर बैटरी का स्विच स्टार्ट किया और मैंने पावर सप्लाई की, करंट सप्लाई की, अगर करंट जैसे ही मैंने सप्लाई की तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस कंटेनर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसा क्या हुआ, हमने कनेक्शन तो पूरा सही सेटअप किया हुआ है, फिर हमारा करंट सप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं हुई. तो बेटा इसका देखो रीजन नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्योर वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होने देता है. अगर प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है तो आप क्या करते हो, सो यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि आपके पास प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए आप इसके अंदर क्या ऐड कर देते हो, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देते हो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के. पर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एच प्लस आयन, एच प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, और बाय द प्रोडक्शन ऑफ एच प्लस आयन फ्री आयन, अब इस सर्किट के अंदर इस सेटअप के अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी इजिली क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इजिली क्या हो सकती है, सप्लाई हो सकती है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करने के लिए आपको फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट होती है. वो फ्री आयंस आपको कहाँ से मिलते हैं, वो फ्री आयंस मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर दिया, ऐड कर दिया. मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया है, और अब मैंने बैटरी से करंट पास की तो हाँ अब मेरा वाटर का क्या हुआ, डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया. तो जैसे ही वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो देखो यहाँ पर डायग्राम में बता रखा है, ये दो वाटर के मॉलिक्यूल है, दो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये दोनों ही वाटर के मॉलिक्यूल डीकम्पोज होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, ये बनाते हैं एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन का बनाते हैं और दो मॉलिक्यूल किसके बनाते हैं, हाइड्रोजन के बनाते हैं. क्या हो रहा है, देखिए मैं आपका रिएक्शन लिख रहा हूँ कि दो वाटर मॉलिक्यूल जब डीकम्पोज होते हैं ऑन पासिंग करंट, डीकम्पोज होने पर ये दो मॉलिक्यूल तो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस के,
और एक मॉलिक्यूल किसका बनाता है, ये ऑक्सीजन गैस का। तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, जब दो मॉलिक्यूल वाटर के डीकम्पोज होंगे तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस का। तो हुआ क्या, अब देखिए, अब हाइड्रोजन गैस के पास, देखो हाइड्रोजन गैस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर एच प्लस आयन होता है, इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है मेरा, देखिए ये इलेक्ट्रोड मेरा एनोड है, ये क्या है मेरा एनोड, और एनोड कैसा है बेटा, ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या है बेटा मेरे पास कैथोड, और कैथोड कैसा है नेगेटिवली चार्ज। तो ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर ड्यू टू दैट, आपके पास पॉजिटिव आयन वाला जो एच प्लस आयन है, जो हाइड्रोजन गैस है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी बेटा, वो हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड पे। तो यहां पर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको कौन मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एंड एनोड के अंदर, आपको कौन मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये क्या हुआ, जब आपने वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाया तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, जहां पर हाइड्रोजन गैस कहाँ चली गई, हाइड्रोजन गैस चली गई कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ चली गई, वो चली गई एनोड पे। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए, अगर इस टेस्ट ट्यूब को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, हाइड्रोजन ने गैस जितनी कलेक्ट हुई है वो ध्यान से देखो ऑक्सीजन के 2 टाइम्स हुई है। अगर इस वॉल्यूम को मेजर कर पा रहे हो तो जितना ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ है उसका 2 टाइम्स क्या कलेक्ट हुआ है, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, वाटर मॉलिक्यूल तो सेम है। तो होता क्या है बेटा, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल का डीकम्पोजिशन किया, देखिए इस रिएक्शन को, जब दो वाटर के मॉलिक्यूल डीकम्पोज होते हैं तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जबकि ऑक्सीजन का कितना मिलता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिलता है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने टाइम्स मिल रहे हैं, 2 टाइम्स मिल रहे हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने टाइम्स मिल रहे हैं, 2 टाइम्स मिल रहे हैं। अगर ज्यादा हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब कि यहां से प्रूव होता है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस ज्यादा इवॉल्व हो रही है तो वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन का कितना टाइम्स होता है बेटा, 2 टाइम्स होता है। ये चीज यहाँ से प्रूव होती है। तो यही होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इस पूरी लैंग्वेज को जो भी मैंने बोला है अभी, वो सब कुछ मैंने इन पैराग्राफ्स के अंदर यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इनको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम मुड़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग सनलाइट। फोटोन कहते हैं फोटोलाइटिक, मतलब कि फोटोन होता है, फोटोन मिलता है हमें सनलाइट से। तो द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ एक्टिविटी है, और एक्टिविटी क्या कहती है, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड, इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दूं, ये देखिए डायग्राम बता रखा है मैंने, चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा हुआ है, ठीक है, यहां से सनलाइट आ रही है। तो चाइना डिश में जो सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, अगर सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो क्या होता है बेटा, ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा। और डीकम्पोज होकर ये न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, लाइक यहां पर देखिए, व्हेनेवर सिल्वर क्लोराइड आर प्लेस्ड इन सनलाइट इट डीकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड प्रोड्यूस अ क्लोरीन गैस। तो क्या होता है बेटा, एक व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो ये डीकम्पोज होता है सिल्वर कलर, और सिल्वर का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रे होता है। तो आपका व्हाइट कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका व्हाइट कलर कन्वर्ट हो गया ग्रे में, और क्या प्रोड्यूस करेगा साथ में, क्लोरीन गैस विच इज नोन एज योर फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यही क्या होता है आपका, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और इसी लैंग्वेज को मैंने देखो यहां पर लिखा हुआ है आपके पास, यू विल ऑब्जर्व दैट सिल्वर क्लोराइड विच वॉज इनिशियली व्हाइट, इनिशियली क्या था, ये व्हाइट था, लेकिन जैसे इसको मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, इट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आपका सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का था वो डीकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, एंड साथ में क्या प्रोड्यूस करता है वो, क्लोरीन गैस विच इज योर फोटोलाइटिक डीकम्पोजन। यही होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजन। इसी के ऊपर देखिए एक और एग्जाम्पल है, अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दूं तो ये भी व्हाइट कलर का सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी ये येलो कलर का होता है सिल्वर ब्रोमाइड, थोड़ा व्हाइटिश येलो होता है,
तो व्हाइट या येलो कलर का सिल्वर प्रोवाइड, ये भी डीकम्पोज होगा और क्या बनाएगा, ग्रे कलर का क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा और प्रोड्यूस करेगा ब्राउन गैस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन की कलर कैसे थी, ब्रोमीन गैस की कलर कैसे थी, ब्राउन होती है। तो ये चीज आपको जैसे याद नहीं रखनी है, लेकिन आप खाली इतना याद रखना कि AgCl और AgBr दोनों को डीकम्पोजिशन होने पर आपको क्या मिलता है, सिल्वर अलोंग विद सम गैसेस मिलती है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस बोथ रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है जो पहले के टाइम में होती थी, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल का यूज किया जाता था। ये चीज आप जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो कहते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट नाम में आ रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस कौन करता है बेटा, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा के खुद बैठ जाता है, विच इज नॉन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। देखिए ए बी मॉलिक्यूल था, एक एपी का ए बी कंपाउंड था, ठीक है, ये ए और ये बी कंपाउंड है, और ये कौन है, सी है। तो सी क्या हाई रिएक्टिव है, सी ने क्या किया, सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, सी ने ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद ए की जगह बैठ गया और क्या बनाया, देखो बी सी बना लिया और ए को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव कौन है, हाई रिएक्टिव है यहाँ पर सी, और लो रिएक्टिव कौन है, लो रिएक्टिव है यहाँ पर ए। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके बैठ गया उसी जगह पर। तो विच इज नॉन एज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या कहती है, व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कह रही है बेटा ये, व्हाट हैपन व्हेन, मैंने एक आयरन नेल को ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन के, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, तो क्या हुआ। देखो आप डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हो, आपका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जो आपकी आयरन नेल शाइनी कलर की थी वो धीरे धीरे कैसे हो गई, ब्राउन कलर की हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, व्हेनेवर वी प्लेस दिस आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन क्या है बेटा, आयरन कॉपर से हाई रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सर आपको कैसे पता चला कि आयरन कॉपर से हाई रिएक्टिव है, तो बेटा मुझे पता चला ये सब कुछ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से। देखिए बेटा मैं आपके पास यहां पर लिख रहा हूं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट की रिएक्टिविटी को बताती है। कैसे बताती है, देखिए यहां पर मेटल रिएक्टिव सीरीज लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी सीरीज कितनी है, केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पका था है। क्या है ट्रिक, केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पका था है, और फिर यहीं से हाई कोर्ट है आप, AGAUPT, AAP ये क्या बन गया आप, तो यहीं से बन जाती है बेटा वापस ट्रिक, हाइड्रोजन से ही हाई कोर्ट, कोर्ट से कॉपर, है से मरकरी, आप AAP मतलब कि AGAUPT सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलती है बेटा, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलती है कि जो मेटल अबोव लाई करेगा वो हाई रिएक्टिव, जो मेटल अबोव लाई करेगा वो हाई रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव होगा, और जो मेटल बिलो लाई करेगा, जो मेटल बिलो लाई करेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो लो रिएक्टिव हो जाएगा या फिर लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपके पास अगर मैं बोलूं सोडियम है, सोडियम मेटल है और जिंक मेटल है, तो दोनों में से हाई रिएक्टिव कौन है, दिख रहा है सोडियम अबोव लाई कर रही है, तो सोडियम हाई रिएक्टिव हो गई और जिंक क्या हो गई, लो रिएक्टिव हो गई। लेकिन मैं बात करूं मैं बात कर रहा हूं आयरन की और कॉपर की, तो बताओ आयरन और कॉपर में से अबोव लाई कौन कर रहा है, आयरन पहले आता है, तो आयरन मेटल क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है। अगर आयरन मेटल हाई रिएक्टिव है तो आ जाइए यहां पर, आपने आयरन मेटल को क्या किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया है, पे प्लेस किया है। तो आयरन मेटल देखिए रिएक्शन क्या कर रही है, आयरन मेटल इज हाई रिएक्टिव मेटल, तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और खुद बैठ जाएगी। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया,
और क्या बनाया, फेरस सल्फेट और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया। तो हुआ क्या यहाँ पर, यही हुआ इस डायग्राम के अंदर। देखिए आपके पास ब्लू कलर का क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसके अंदर आपने क्या प्लेस की, आयरन नेल प्लेस की। आयरन नेल कैसी है, हाई रिएक्टिव है, तो नेल में से सारा का सारा आयरन कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर चला गया, और सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो नेल में से आयरन बाहर निकल गया, तो नेल कैसी हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। क्या हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की होगी। और सॉल्यूशन में क्या बन चुका है, अब सॉल्यूशन में कॉपर की जगह कौन जा चुका है, कॉपर की जगह कौन जा चुका है, आयरन जा चुका है। तो सॉल्यूशन में क्या बन चुका है, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है, लाइट ग्रीन। तो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, मतलब कि फेरस सल्फेट। तो यही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहां पर हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। नाउ देखिए यहां पर मैंने लैंग्वेज लिखी है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश रेड इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड अवे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी जहां पर आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप की, लास्ट टाइप की रिएक्शन मेरे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही कंपाउंड के अंदर आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, देयर करस्पॉन्डिंग आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज लिखी मैंने, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयंस एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयंस, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए बी और सी डी, ये दोनों क्या करते हैं, अपने आयंस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले मैं उसके एक ट्रिक बता देता हूं आपको। देखिए ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे मैंने लिखा ए बी प्लस सी डी, तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ट्रिक क्या होती है बेटा, ए मॉलिक्यूल जाता है डी के साथ, ए मॉलिक्यूल किसके साथ जाएगा, डी के साथ, और सी मॉलिक्यूल किसके साथ जाएगा, सी एलिमेंट जाएगा डी के साथ। तो क्या बनाएगा ये, ए डी प्लस सी बी, क्या बनाएगा, ए डी प्लस सी बी। यही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ट्रिक। और देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी क्या कहती है मेरे पास, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन आर एडेड इनटू बेरियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है मेरे पास बेरियम क्लोराइड, क्या रखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड, और मैंने इसके अंदर ड्रॉपर के थ्रू क्या ऐड किया है, सोडियम सल्फेट। तो व्हेनेवर सोडियम सल्फेट आर एडेड इनटू बेरियम क्लोराइड, आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर क्या बन रही है बेटा, यहाँ पर व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बन रही है, व्हाइट कलर की पीपीटी बन रही है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कंपाउंड आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। कैसे एक्सचेंज हुआ, देखो ये बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है, मैंने क्या बोला था यहाँ पर आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, मतलब कि ये बेरियम क्या मान लो ए, क्लोराइड क्या मान लो बी, सोडियम क्या मान लो सी, और सल्फेट को क्या मान लो डी। तो ए किसके साथ जाएगा बेटा, ए जाएगा डी के साथ, तो बेरियम किसके साथ गया, सल्फेट के साथ, तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट की ही क्या बनती है बेटा, ये जो पीपीटी बनी है ये किसकी बनी है बेटा, ये पीपीटी बनी है, पे जो प्रेसिपिटेट बना है किसका बना है, बेरियम सल्फेट का। और देखो आगे, अब ये जो सी है, सी किसके साथ जाएगा, क्लोराइड के साथ जाएगा, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो व्हेन द सोडियम सल्फेट मिक्स विद बेरियम क्लोराइड, व्हेन सोडियम सल्फेट मिक्स विद बेरियम क्लोराइड, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द फॉर्म सोडियम क्लोराइड अलोंग विथ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यही क्या होती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है, आराम से वीडियो को पॉज करके इन सारी रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। क्या कहता है, पहला पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को जब भी मैं सिल्वर नाइट्रेट अंदर ऐड करूंगा तो पोटेशियम क्या हो जाएगा ए, ब्रोमाइड क्या हो गया बी, सिल्वर क्या हो गया सी, और नाइट्रेट क्या हो गया डी। तो ए किससे साथ जाएगा बेटा, ए जाएगा डी के साथ, ए किससे जाएगा डी के साथ, तो पोटेशियम और नाइट्रेट कंबाइन क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट, और सी किससे जाएगा बी के साथ, तो ये क्या बनाया एजीबीआर, और एजीबीआर की क्या मिलती है आपको, व्हाइट पीपीटी मिलती है। ठीक है, तो यही आपके पास कुछ चार रिएक्शन है, इन चारों रिएक्शन को आप वीडियो को पॉज करके इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम मुकत हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट क्या है बेटा मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत अच्छा टॉपिक है, आराम से सुनना इसको भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिफरेंस बनाई है, डिफरेंस टेबल बनाई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की विथ एग्जाम्पल, और आराम से सुनना बेटा क्या कहता है। देखो
ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन को तोड़ो क्या कहता है, ऑक्सीजन का एडिशन विच इज नॉन एज योर ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ। उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपलीफाई वे में याद करवा रहा हूं मैं आपको, यहीं पर याद करके जाना, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। अब ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीजन का एडिशन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपलीफाई वे में बोल रहा हूं, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमोल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमोल क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का रिमोल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, देखिए नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस एंड प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुई है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अंदर ऐड हुई है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ सर नाइट्रोजन का। किसका हुआ, नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आपने लिया मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड को हीट किया और आपको क्या मिली, मरकरी लिक्विड अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, और मरकरी ऑक्साइड से क्या बन गया, मरकरी। तो ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गई। अगर ऑक्सीजन का एडिशन, सर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का रिमोल क्या है सर, सर वो रिडक्शन है। क्या है सर, वो रिडक्शन है। अरे याद हो गया क्या, हाँ जी सर याद हो गया पक्का। चलिए बेटा तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में थम्स जरूर भेज दीजिएगा एक बार, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया या नहीं आया। अब मूव करते हैं बेटा आगे, रेडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कहता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग साइमल्टेनियसली विच इज कॉल्ड योर रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसे क्या कहते हो बेटा आप, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हो आप, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल है, यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और देखो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया बेटा, देखो कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। तो यहां पर क्या हुआ बोलो, यहां पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है सर, सर वो होता है रिडक्शन। क्या होता है वो, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन से क्या बन गया, ध्यान से देखो हाइड्रोजन से बन गया H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, एड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है, उसे क्या कहते हो बेटा आप, रेडोक्स रिएक्शन। क्या कहते हो उसे आप, रेडोक्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, यहां पर देखिए ये मेरे पास Fe3O4, Fe3O4 से क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखो Fe3O4 से क्या बन गया, Fe बन गया। क्या बन गया, Fe। तो यहां से ऑक्सीजन, Fe3O4 में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो उसके क्या कहते हो आप, रिडक्शन। क्या कहते हो, रिडक्शन। और ध्यान से देखो हाइड्रोजन के अंदर के, हाइड्रोजन से क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, एड हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, एड हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली विच इज नॉन एज योर रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए दोनों ही एग्जाम्पल को, वापस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझिए। अच्छा स्टूडेंट एक क्वेश्चन, उससे पहले मुझे बताओ पहला क्वेश्चन, जो पहली रिएक्शन थी मेरे पास उसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ सर, ऑक्सीडेशन किसका हुआ बताइए सर, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर हुआ, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो यहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा बताइए कि रिडक्शन किसका हुआ है,
तो आप क्या बोलोगे, रिडक्शन उसका होता है सर जिसमें ऑक्सीजन क्या हो गया रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव कहाँ हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ कॉपर ऑक्साइड में से, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ यहाँ पर रिडक्शन हुआ, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन उसका हुआ जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर हुआ, देखिए हाइड्रोजन से क्या बन गया H2O, तो ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ हाइड्रोजन का, और रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन देख लीजिए किसका हुआ, रिडक्शन हुआ Fe3O4 का, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। चलिए अब आगे बात कर रहा हूं, आगे बात करने से पहले कुछ चीजें हैं मेरे पास, देखिए इन चीजों को सुन लेना, क्या कहता है मेरे पास कुछ एजेंट होते हैं, क्या होते हैं ये एजेंट, ये एजेंट होते हैं दो तरह के, एक होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट है, एजेंट क्या करता है बेटा, जैसे एलआईसी एजेंट होता है बेटा आपने सुना कभी, एलआईसी एजेंट क्या करता है, एलआईसी की पॉलिसी करके देता है, एलआईसी एजेंट क्या करता है, एलआईसी की पॉलिसी करके देता है, उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करके देगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करके देगा, ऑक्सीडेशन करके देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का क्या करके देगा, ऑक्सीडेशन करेगा, अगर इसको सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है, अगर इसको सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है तो खुद का क्या करना पड़ेगा बेटा, खुद का क्या करना पड़ेगा, इसको रिडक्शन करना पड़ेगा, खुद का क्या करना पड़ेगा रिडक्शन करना पड़ेगा, देखिए मैं आराम से सुनना इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ क्या होता है बेटा, इटसेल्फ क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो जैसे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या करेगा रिडक्शन करेगा, सामने वाले का क्या करेगा रिडक्शन, अगर ये सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो ये इटसेल्फ क्या हो जाएगा, इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको, आराम से देखना इसको, ये जैसा एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना बेटा, कॉपर बना, और हाइड्रोजन से क्या बना वाटर बना, तो मुझे बता हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया सर कॉपर ऑक्साइड ने, किसने दिया कॉपर ऑक्साइड ने, तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को क्या दिया ऑक्सीजन दिया, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करके दिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करके दिया, वो करके दिया सर कॉपर ऑक्साइड ने, तो कॉपर ऑक्साइड ने अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया तो कॉपर ऑक्साइड खुद कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वापस सुन रहा, हाइड्रोजन ने क्या किया, अब उल्टा बोल रहे अपन, हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने खुद का क्या कर दिया ऑक्सीडेशन कर दिया, तो उसने कॉपर ऑक्साइड का क्या किया रिडक्शन, हाइड्रोजन का अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन किसमें से लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया कॉपर ऑक्साइड में से, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन किसमें से लिया कॉपर ऑक्साइड में से लिया, देखिए ध्यान से आराम से बना रहा हूं मैं से, हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन किसमें से लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया कॉपर ऑक्साइड में से, तो हाइड्रोजन ने इसका क्या करके दिया कॉपर ऑक्साइड का क्या करके दिया रिडक्शन करके दिया, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किसने करके दिया वो हाइड्रोजन ने करके दिया, तो हाइड्रोजन कौन है बेटा, हाइड्रोजन कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, तो यही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं, तो देखो कॉपर ऑक्साइड क्या बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद क्या हुआ, खुद का क्या हुआ इसका रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर आपको अगर इस तरह से याद नहीं हो तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जिसका रिडक्शन होता है अपोजिट याद रखो, जिसका रिडक्शन होता है वो कौन बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, वापिस यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है Fe3O4 का, रिडक्शन किसका हुआ है Fe3O4 का, तो जिसका रिडक्शन होता है वो कौन बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है हाइड्रोजन का, वो कौन बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, आई होप आपको ये टॉपिक भी इजीली समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्टिविटी है बेटा, हमारे पास एक्टिविटी क्या कहती है, एक्टिविटी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए है, और एक्टिविटी क्या कहती है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर पाउडर लिया है मैंने, देखिए ये चाइना डिश है, एक चाइना डिश के अंदर मैंने ब्राउन कलर का क्या लिया बेटा है
ये ब्राउन कलर का लिया है मैंने कॉपर पाउडर, और इस कॉपर पाउडर को मैं एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहा हूँ, एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर आप कॉपर पाउडर का एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा सर ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा सर, सर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बना लेता है, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देखिए लैंग्वेज यहां पर मैंने लिखी है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट सरफेस एक्वायर्स अ ब्लैक कोटिंग। आपने कॉपर पाउडर को हीट किया, जब आपने कॉपर पाउडर को हीट किया तो कॉपर पाउडर की जो ब्लैक ब्राउन कलर की सरफेस थी, कॉपर पाउडर की जो ब्राउन कलर की सरफेस थी, सरफेस के ऊपर क्या आ गया, देखो ये ब्लैक कलर आ गया। तो ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कोटिंग हो गई इसके पास, ब्लैक कोटिंग हो गई इसके ऊपर, किसकी हो गई, ब्लैक कोटिंग कॉपर ऑक्साइड की। तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो याद रखना, वेन एवर वी हीटेड अ ब्राउन कलर ऑफ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट टर्न्स इन अ ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है आगे बेटा, अगर इसी ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड को, अगर मान लो ये ब्लैक कलर हो गया, ठीक है, ये पूरा कैसा हो गया, मान लो ब्लैक कलर का हो गया। अब ब्लैक कलर का कौन है, ये कॉपर ऑक्साइड है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की, मैं इसे हीट कर रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड को, अभी भी हीट करने जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की। तो जब मैं हाइड्रोजन गैस पास करता हूँ तो बेटा क्या होता है, देखो आपके कॉपर ऑक्साइड में से जब भी आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, और देखिए हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन खींच लेगा और क्या बनाएगा, H2O, और साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर। तो आपका जो ब्लैक कलर का था कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखोगे, अगर इस रिएक्शन को तुम ध्यान से देखोगे तो देखो आपका कॉपर ऑक्साइड, बताइए मुझे यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, चलिए जल्दी से बोलिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। सर ऑक्सीडेशन उसका हुआ जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन किसके अंदर ऐड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हुआ, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ सर, कॉपर ऑक्साइड का। चलिए बताइए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एक्टिविटी इस चीज को समझने में हेल्प करती है, इसलिए ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी हमने बोला वो सारी लैंग्वेज में यहाँ लिखी हुई है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड द ऑपोजिट रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर हाइड्रोजन गैस को आपने कॉपर ऑक्साइड की सरफेस से पास किया तो ऑपोजिट रिएक्शन हुई, पहले आपके पास कॉपर ऑक्साइड बना था, अब वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स चला जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, वापस क्या बन गया, कॉपर बन गया, और साथ में क्या निकल गई, वाटर निकल गई। ठीक है, तो यही होती है एक्टिविटी। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास कोरोजन। क्या है देखिए, क्या सोच रहे अपन, व्हाई डज कॉपर टर्न्स ग्रीन। आपके पास अगर एक कॉपर की प्लेट रखी हुई है, देखिए ध्यान से, कॉपर की प्लेट है और कॉपर की प्लेट धीरे धीरे मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके कैसी हो गई बेटा, ये ग्रीन कलर की हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, कॉपर की प्लेट ग्रीन क्यों हुई, या फिर सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, व्हाई डज सिल्वर गेट टर्निश। सिल्वर की जो स्पून होती है, देखिए बिफोर बिफोर सिल्वर की स्पून कैसी थी, पहले एकदम शाइनी थी, और बाद में आफ्टर टर्निश कैसी हो गई, ब्लैकिश कलर की हो गई। ठीक है, कैसे होगी, थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की हो गई। तो ऐसा क्या हुआ इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्यों मेरा कॉपर ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्यों मेरा कॉपर ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, और क्यों मेरा सिल्वर ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया आफ्टर टर्निश, मुझे ये चीज बतानी है। तो देखिए कॉपर का क्या रीजन है, कॉपर इज अटैक बाई मॉइस्ट एयर। कॉपर क्या करता है बेटा, अगर कॉपर को आप मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हो, एटमोस्फेयर में रखते हो, तो एटमोस्फेयर की मॉइस्ट एयर के साथ कॉपर रिएक्ट कर जाता है, विच इज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट। और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, जिसकी देखिए यहां पर मैंने रिएक्शन लिखी ही है, मेरा जो कॉपर है वो कॉपर एटमोस्फेरिक गैसेस के साथ, एटमोस्फेरिक गैसेस मतलब कि मॉइस्चर वाली गैसेस जिसमें मॉइस्चर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है, इन तीनों के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या बनाता है, ग्रीन कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर और कार्बोनेट बनाता है। एक तो बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और दूसरा उसके साथ उसके ऊपर कंपाउंड बनाएगा कॉपर कार्बोनेट का, इसका एक मिक्सचर बनाता है। दैट्स व्हाई
आपका कॉपर कैसा हो जाता है बेटा, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो रीजन समझ में आया कि कॉपर क्या हुआ, कॉपर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, कॉपर का मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो गया, कोरोजन हो गया। क्या हो गया, कोरोजन हो गया। यही होता है कोरोजन, कि कॉपर अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, लूज कर देता है। कॉपर अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, लूज कर देता है। जब भी मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, जब भी मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, मतलब उसका क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुका है। अब सिल्वर के केस में क्या हुआ सर, तो देखो सिल्वर के केस में क्या हुआ बेटा, जो भी मेरा सिल्वर है वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। ये जो मेरी सिल्वर है, ये जो सिल्वर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बनाएगी बेटा, ये बनाएगी सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। इसका नाम क्या होता है बेटा, सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड कैसे कलर का होता है बेटा, ये ब्लैक कलर का होता है। इसलिए आपकी जो सिल्वर है, ये जो स्पून थी, ये ध्यान से देखिए, ये स्पून कैसे हो चुकी है, ये ब्लैक कलर की हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, ब्लैक कलर की हो चुकी है। तो सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्मिंग हाइड्रेटेड सिल्वर सल्फाइड, फॉर्मिंग हाइड्रेटेड सिल्वर सल्फाइड। तो यही होता है रस्टिंग या कोरोजन का प्रोसेस, जहां पर आपकी मेटल क्या करती है, अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देती है और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। देखिए कॉपर ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉपर ने प्रोड्यूस किया ग्रीन कलर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, और सिल्वर ने क्या प्रोड्यूस किया, सिल्वर ने प्रोड्यूस किया अ ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख सकते हो, ये अ प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। आपके जो भी मेटल है वो स्लोली स्लोली क्या होते हैं, अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक कौन से अनडिजायरेबल कंपाउंड होंगे, जैसे सल्फाइड होगा, कार्बोनेट हो जाएगा या फिर ऑक्साइड हो जाएगा। मतलब कि मेटल का सल्फाइड बना लिया, मेटल का कार्बोनेट बना लिया या फिर मेटल का ऑक्साइड बना लिया, बाय इंटरेक्टिंग विद एटमोस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। तो यही होता है कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, एक मेटल सरफेस होगी, वो मेटल अनडिजायरेबल गैसेस के साथ रिएक्ट करके, एटमोस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करके अनडिजायरेबल सल्फाइड और कार्बोनेट और ऑक्साइड जैसे कंपाउंड बनाती है, जिसकी वजह से उनका क्या हो जाता है, उनकी मेटल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, और इसे ही क्या कहते हो बेटा आप, कोरोजन कहते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। आपने जनरली देखा होगा, आप जनरली देखते हो घर के अंदर अगर खाना रखा हो, तो अगर खुले में रखा है तो 1 या 2 दिन के बाद उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। अगर आपने देखा होगा उसके ऊपर फंगी लग जाएगी, ब्लैक या ग्रीन कलर की। तो वही क्या है आपकी, वही है आपकी, वहां पर आपका फूड क्या हो चुका है, फूड सड़ चुका है। और फूड का सड़ना ही क्या है, रेंसिडिटी है। तो रेंसिडिटी क्या है बेटा, देखिए यहाँ लिखा है, रेंसिडिटी इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स ऑयल्स एंड अदर लिपिड्स। रेंसिडिटी क्या होती है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है फैट्स ऑयल और अदर लिपिड्स का। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स डेवलप्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन द फूड मटेरियल व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप उस फूड को देखोगे, जो आपने मान लीजिए खाना आपने बाहर रखा हुआ है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एटमोसफेयर में रखा हुआ है, उसके ऊपर व्हाइट या ब्लैक कलर की फंगी लग जाएगी और उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी। क्यों, वहां पर क्या हुआ बेटा, वहां पर जो फूड था उसके अंदर, फूड के अंदर जो ऑयल था, जो फैट थी, जो लिपिड थी, उसका क्या हो चुका है बेटा, उसका स्पॉइलिंग हो चुका है, उसकी क्या हो चुकी है, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। उसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। और फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, फूड के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ही क्या कहते हो बेटा आप, रेंसिडिटी कहते हो। क्या कहते हो, फूड के ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या कहते हो आप, रेंसिडिटी कहते हो। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड एंड मेक्स इट अनहेल्थी फॉर ईटिंग। रेंसिडिटी, अगर कोई भी फूड स्पॉइल हो चुका है तो आपको उस फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अनहेल्थी होता है आपके हेल्थ के लिए, इसलिए आपको वो यू खाने वा नहीं चाहिए। तो यही था बेटा रेंसिडिटी टॉपिक, और ये था पूरा चैप्टर आपका, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पीपीटी को रिप्रेजेंट किया है मैंने आपके सामने। आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिव्यू देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और जरूर अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।